हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्रेन को स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आते हैं सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये है पोन्स, ये है सेरिबेलम और यह है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट मेडुला ऑब्लॉन्गाटा स्कल के बेस में पाए जाने वाला एक ओपनिंग जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, यहीं से ये मेडुला ऑब्लॉन्गाटा एक्सटेंड करता है और आगे कंटिन्यू करता है न्यूरल कैनाल में जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट मेडुला ऑब्लॉन्गाटा फोरामेन मैग्नम से निकलकर न्यूरल कैनाल में आगे कंटिन्यू करता है, तो इसी कंटिन्यू पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो ब्रेन के बेस से लेकर L1 वर्टेब्रा तक फैला होता है, यह स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को जैसे स्कल प्रोटेक्ट करता है, सेम वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टेब्रल कॉलम। यह वर्टेब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ जो होती है 45 सेंटीमीटर और वेट 35 ग्राम होता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी ऑर्गेन के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है एंड ब्रेन से निकलने वाली या ब्रेन से आने वाली इम्पल्सेस के लिए रिले पथ को प्रोवाइड करता है एंड बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग थोड़ा सा वर्टेब्रल कॉलम के बारे में जान लेते हैं। वर्टेब्रल कॉलम को स्पाइन, स्पाइनल कॉलम या बैकबोन भी बोलते हैं। जो बैकबोन होते हैं वो छोटे छोटे बोन से मिलकर बने होते हैं जो वर्टेब्री कहलाते हैं, और वर्टेब्री का सिंगुलर फॉर्म वर्टेब्रा कहलाता है। मीन्स ये बैकबोन का एक बोन वर्टेब्रा कहलाता है। बैकबोन जो होता है वो 33 बोन से मिलकर बना होता है, बट अडल्ट होने पर ये 26 हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। वर्टेब्रल कॉलम को 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल वर्टेब्री जो C1 से लेकर C7 तक होते हैं, थोरैसिस वर्टेब्री जो T1 से लेकर T12 तक होते हैं एंड लंबर वर्टेब्री जो L1 से लेकर L5 तक होते हैं। सैक्रम जिसमें 5 बोन होते हैं जो फ्यूज होकर, मतलब एक साथ मिलकर एक बोन बनाते हैं एंड लास्ट कॉक्सिक जो 4 बोन होते हैं और मिलकर एक बोन बनाते हैं, इसलिए ये 33 से 26 हो जाते हैं। वर्टेब्रल कॉलम का एक बोन वर्टेब्रा कहलाता है और इच वर्टेब्रा है सेंट्रल हॉलो पोर्शन। मीन्स प्रत्येक वर्टेब्रा में एक हॉलो पोर्शन होता है जिसको स्पाइनल फोरामेन बोलते हैं या न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, पास करता है। एंड वर्टेब्रा का ये वाला पार्ट बॉडी कहलाता है जिसको सेंट्रम भी बोलते हैं। जो वर्टेब्रा होते हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज रहते हैं और इनका वर्टेब्रा का बॉडी वाला पार्ट जो होता है वो एक दूसरे से इंटरवर्टेब्रल डिस्क से जुड़े होते हैं, जो एक कार्टिलेजिनियस डिस्क होता है। एंड इसका हॉलो पोर्शन जो न्यूरल कैनाल बनाता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पास करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बेस से निकलकर L1 वर्टेब्रा पर इंड होता है, वही टर्मिनल इंड कोनस मेडुलरीज कहलाता है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इंड होता है। कोनस मेडुलरीज होता है L1 वर्टेब्रा पर प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बेस से स्टार्ट होकर कोनस मेडुलरी पर इंड होती है, देन कोनस मेडुलरी जो होता है आगे एक्सटेंड करता है कॉक्सिक बोन तक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं फिलम टर्मिनल। स्पाइनल कॉर्ड का जो टर्मिनल इंड है जिसको कोनस मेडुलरीज बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, बहुत गुच्छे के रूप में, गुच्छे जैसा, जिसको क्या, जिसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना, जो हॉर्स के टेल के जैसा होता है, हॉर्स के पूंछ के समान होता है। जैसे हमारा ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको मेनिंजेज बोलते हैं, सेम वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है, ड्यूरामेटर, एरकोनाइड और पियामेटर या पायामेटर। ड्यूरामेटर सबसे आउटर कवरिंग होता है, एरकोनाइड मिडिल वाला होता है एंड पियामेटर सबसे इनर कवरिंग होता है। जैसे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ, सबसे इनर कवरिंग पियामेटर, मिडिल वाला एरकोनाइड एंड सबसे आउटर कवरिंग ड्यूरामेटर, एंड ड्यूरामेटर के बाद आएगा हमारा वर्टेब्रल कॉलम।
ड्यूरा मेटर और ये वर्टेब्रल कॉलम हुआ, इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं ईपी ड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मेटर और एरिक्नोइड मेटर के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एंड पिया मेटर और एरिक्नोइड मेटर के बीच में ये स्पेस है इसको बोलते हैं सब एरिक्नोइड स्पेस। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं आप लोग, सबसे इनर मेम्ब्रेन पिया मेटर, देन एरिक्नोइड, देन ड्यूरा मेटर, देन इपिड्यूरल स्पेस, जो किसके बीच में पाया जाता है, वर्टेब्रल कॉलम और ड्यूरा मेटर के बीच में स्पेस होता है जिसको इपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने देखा था जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरासिस वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा, सैक्रम वर्टेब्रा एंड कॉक्सीजल वर्टेब्रा, सेम वैसे ही ये नर्व्स होते हैं, सर्वाइकल नर्व्स, थोरासिस नर्व, लंबर नर्व, सैक्रल नर्व्स एंड कॉक्सीजल नर्व्स। तो सर्वाइकल नर्व्स जो होते हैं 8 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, थोरासिस नर्व 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लंबर नर्व 5 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सैक्रल नर्व 5 पेयर में प्रेजेंट होते हैं और कॉक्सीजल नर्व जो होता है वो 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड सारे को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 31 पेयर्स। ये स्पाइनल नर्व का टर्मिनल यूनिट है जिसको कोनस मेडुलरी बोलते हैं, जो L1 वर्टेब्रा पर प्रेजेंट होते हैं। एंड कोनस मेडुलरी से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो हॉर्स के टेल के समान होते हैं, जिसको क्वाडा इक्विना बोलते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रॉस सेक्शन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर टॉपिक समझ में आए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।